अनुराग ठाकुर से मिलने इस वक्त पहलवान पहुंच चुके हैं। पहलवान बजरंग पुनिया भी मिलने पहुंचे हुए, अनुराग ठाकुर के घर मिलने पहुंचे हुए। अनुराग ठाकुर ने बकायदा ट्वीट किया था और ट्वीट में इन लोगों को आमंत्रण दिया था। फिलहाल पहलवान पहुंच चुके हैं, बजरंग पुनिया के पहुंचने की खबर इस वक्त मिल रही है। जो उनकी बातें हैं वो अनुराग ठाकुर से, वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से वो करेंगे। कल रात को अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया। सरकार विवाद सुलझाने के लिए हरकत में आ चुकी है। सरकार जनवरी में भी अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की थी और ये दोबारा मुलाकात हो रही है, यानी जनवरी महीने में एक मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद पहलवान फिर से। और इस वक्त सीधे मैं अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा का रुख करती हूँ। अमिताभ जी, क्या खबर है इससे जुड़ी हुई? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने कल ट्वीट करके न्योता दिया था और पहलवानों ने न्योता स्वीकारा है। जाहिर है सरकार इस विवाद को अब लादा लंबा खींचने के मोड में नहीं है, क्योंकि लगातार इनके धरने से एक छवि को डेंट जरूर लगता है। तो सरकार चाहती नहीं है कि ये विवाद ज्यादा लंबा खींचे, और पहलवान भी अगर बातचीत के टेबल मेज पर पहुंचे हैं तो जाहिर है पहलवान भी अब इन बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। और अनुराग ठाकुर ने इसकी पहल की है, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर कैबिनेट की बैठक से परे हटकर इन पहलवानों से बात कर रहे हैं। खेल मंत्री लगातार पहलवानों से पहले भी जनवरी में जब वो धरने पर बैठने वाले थे तब भी उनसे बात की थी, तब उसको उनको टाला गया था उनके धरने को। लेकिन अब इतना तो साफ है कि सरकार अब इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाकर देश दुनिया में संदेश देना चाहती है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया।